नमस्कार, राम राम, पूछा जी निमाड़। आखिर एनी बार नगर पालिका का चुनाव में बड़वानी का चुनाव में केकी होएगा जीत? कांग्रेस की जीत होएगा या भाजपा की जीत होएगा? पूछा जी निमाड़। रीवा नगर पालिका का चुनाव में आखिर कौन बनेगा अध्यक्ष? पूछा जी निमाड़। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूछा जी निमाड़। राम राम, नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका अपने चैनल में, जो को नाम छे पूछे निमार। एक पहले को खबर चालू करूं, यदि आपने हमारा चैनल का सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना चुनाव की हर अपडेट आपको आने वाला समय में मिलेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह छे कि इस समय वर्तमान में बड़वानी जिला में नगर पालिका का चुनाव हुआ, और यह खबर छे नगर पालिका बड़वानी की। 2023 की बात करा तो 20 जनवरी का चुनाव छे, जेका में 24 वार्ड छे बड़वानी में, 24 वार्ड छे बड़वानी नगर में, और एका में 58 प्रत्याशी चुनाव लड़ी रहे। आज महत्वपूर्ण खबर, 58 प्रत्याशी चुनाव लड़ी रहा। और खास बात इना साल या छे इना चुनाव में कि 10 प्रत्याशी जो छे निर्दलीय खड़ा हुआ छे, 10 प्रत्याशी निर्दलीय। बड़ी खबर छे यार, 58 में से 10 प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा हुआ इना चुनाव में। यदि 10 जीतेगा तो कुछ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी छे कि पिछली बार का चुनाव की यदि हम बात करा तो कांग्रेस ने भारी बहुमत से विजय हासिल करी थी, और कांग्रेस का ही अध्यक्ष था। अब इनी बार भाजपा ने कमर कसी ली और पार्षद और ओका साथ साथ जो भी ओका सहयोगी छे वो तो साथ में प्रचार प्रसार कर ही रहे आज, लेकिन साथ में इन बार मैदान में खुद मुख्यमंत्री भी उतरी गए। साथ ही राज्यसभा सांसद महोदय सुमेर सिंह सोलंकी भी प्रचार प्रसार में उतरी गया मैदान में, और गजेंद्र पटेल सांसद महोदय भी उतरी गया, और मंत्री महोदय भी इन बार मैदान में छे। अब देखने वाली बात यह होगा कि कौन जीतेगा इन्हीं बार को चुनाव। आपको कई लगा जे आप मुझे इन्हीं बार का चुनाव की हम बात करा तो 43,290 मतदाता छे बड़वानी में। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगा कि सांसद से लगे करना तो मुख्यमंत्री से लगे करना मंत्री तक प्रचार प्रसार में पूरी तरीका से अपनी पूरा जोखिम लगे दिया, पूरा कमर कसी का नाम मैदान में उतरी गया। क्योंकि भाजपा का शायद डर छे कि शायद इस बार भी हम पिछली बार की तरह हरी नहीं जावा, लेकिन भाजपा भी तगड़ी छे, अपना सारा कार्यकर्ता का साथ, सारा मंत्री का साथ, मुख्यमंत्री का साथ मैदान में उतरी गया। अब सवाल आपको छे कि आप के जिताड़ोगे, जनता का फैसलो करनु छे और आने वाली 20 जनवरी का वोट देनु छे। खैर आपका जेकब जीताणु है या भविष्य की बात होगा, लेकिन 20 तारीख का वोट देने से आपको जानू छे, इन्हीं बात का आपको ध्यान रखना छे। अगली खबर का लेन हम पुनः मिलांगा और पूरा चुनाव की हर एक अपडेट आपको देवांगा। तब तक का लेन नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पूछा निमाड़।